हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिबू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए एक कोकनी स्टाइल रेसिपी जिसका नाम है माकुल मसाला। कुछ सब्सक्राइबर थे जो जिन्होंने हमें बोला था कि हमें कोकनी रेसिपीज बना के बता दीजिए, इसलिए हम उनके लिए रेसिपी बना के बता रहे। तो आप हमारी वीडियो तक एंड तक बने रहे। तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा किलो माकुल लिया है जो कि कोकनी आइटम है। इसको हम कोकनी स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो आज हम आपको बना के बताएंगे। तो इसको हम सबसे पहले साफ करके लेंगे, और इसको इंग्लिश में हम स्क्विड भी बोल सकते हैं। तो इसको साफ कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे, तो देखते रहिए। अंदर बाहर का जो भी है, जैसा भी साफ करना है वो हम तुमको टोटल बता देंगे। बहुत ही फ्रेश फ्रेश है एकदम, अभी अभी हमने मार्केट से लाया है। इसकी भी अलग अलग रेसिपीज बनती है, जैसे 65 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसका फ्राइड राइस भी बनाया जाता है। तो गाइस देख ही सकते हो, इसी तरह हम सारे साफ करके ले लेंगे। और गाइस यहाँ पे देखो जरा, ये जो है ना, जो अंदर की चीज, इसको हमने एकदम इजीली आराम से निकालना है। और इसको ख्याल रखना है कि ये फूटे ना, अगर फूट गया तो पूरा ब्लैक अटैक हो जाएगा, पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, ये पानी में बचाव के लिए वो ब्लैक इस्तेमाल करते हैं, स्मोक टाइप। तो उसको जरा आराम से निकालना है, वरना पूरा हाथ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा आपका। तो इस बात का ख्याल रखें साफ करते वक्त। तो इसी तरह हम सारे फटाफट से साफ करके ले लेंगे। इसी तरह से हम सारे इसके कटेट करके ले लेंगे फटाफट से। तो गाइस देख ही सकते हो, हमने माकुल के ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिया, और अभी हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे 6 से 7 बार। तो आपको भी इसी तरह ही सेम स्टेप वाइज करना है, ठीक है। तो इसके मसाले के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो ये है। तो सबसे पहले हमने एक टमाटर लिया है, और 5-6 लहसुन की कलियाँ ली है, थोड़ा सा कोकोनट लिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लिया है, 1 इंच हमने अदरक लिया है, और 5 से 6 हरी मिर्च ली है। इसको ग्राइंड करके लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। देख सकते हो गाइस, इस तरह आपको भी बारीक पीस लेना है। गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है हमने, उसको हमने चॉप किया है। गाइस हमने 2 मिनट तक यहाँ पर प्याज को ऑयल में फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे रख के। उसके बाद हमने हल्दी लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पर 2 चम्मच कोकन का मसाला लिया है, जिसमें सब खड़े मसाले ऐड होते हैं, और 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। और हमने जो मसाला रेडी किया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम 5 मिनट तक ऐसे ही भून कर ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पर 5 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और देख ही सकते हो माशाल्लाह तरी आ गई है ऊपर। और हमने इसमें वाटर पहले ऐड नहीं किया था, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे जिसमें हमने मसाला ग्राइंड किया था। अब इसको भी हम 5 मिनट वैसे भून कर ले लेंगे। तो गाइस यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है, और देख ही सकते हो आप कैसी तरी तरी आ गई है माशाल्लाह। हम जूम करके बताते हैं, अभी इसमें हम वाटर ऐड करेंगे वापस से। अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे,
अब हम इसमें माकुल्स को ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे बनने के लिए। तो 15 मिनट तक अच्छे से पक जाएंगे। फिर माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही कोकन में सबका फेवरेट होता है ये। और हमने पूरा ए टू जेड कोकन स्टाइल में पूरा बताया है जैसे कोकनी लोग बनाते हैं। गाइस यहाँ पर 10 से 15 मिनट पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, माशाल्लाह देख ही सकते हो यहाँ पर बन के पूरा रेडी हो चुका है। इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए गाइस, कोकन साइड का माकुल मसाला बनकर जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी जो ये कोकनी रेसिपी है जो माकुल मसाला वो आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर जरूर करना। और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा फैलाना। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।